मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोग तनाव बहुत लेते हैं। हमारे देश में इन लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वहीं आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, इस विषय पे हम बात करेंगे मनोचिकित्सक रीम आबदी मैम जी से। मैम, आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में बहुत ज्यादा मतलब लोग तनाव लेते हैं, इसके बारे में क्या, कैसे मतलब कैसे निकला जाए इसे? देखिए मनु जी, जैसे आपने कहा कि लोग बहुत तनाव लेते हैं, तो तनाव से जुड़े हुए जो भी हमारे मानसिक दिक्कतें होती हैं वो अलग होती हैं, और अगर हम गहन मनोरोग की बात करते हैं तो उसके वैज्ञानिक कारण होते हैं। कुछ ऐसे रसायन होते हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, जिसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये जेनेटिक होते हैं या ब्रेन की स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। तो अगर मैं बहुत ही कहते हैं सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करूं, तो वहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत होती है और साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है इनसे बाहर निकलने के लिए। और अभी जो देखा गया है, गवर्नमेंट भी इस तरफ बहुत कदम उठा रही है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत, कि उसका भी एक कॉम्पोनेंट, एक एस्पेक्ट है कि हम उनको समाज में लेके आएँ, उनका पुनर्वास करें, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, और एज अ सोसाइटी हम उनको एक्सेप्ट करें, ना कि हम उनको शर्मिंदा महसूस करें। तो सबसे पहले चीज़ तो मेरी ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होना चाहिए, मैं उसी के बारे में ही आज बात करूँगी। दूसरा होता है इलाज कराना, उसका एक्सेप्टेंस। तीसरा होता है समाज में उनका जुड़ना। ये तभी होगा जब हम स्टिग्मास का उसको कलंकित नहीं करेंगे। और नॉर्मल स्ट्रेस की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो देखिए काउंसलिंग से बहुत हेल्प मिलती है, अपने मन की बात कहने से बहुत हेल्प मिलती है, इसको हम कहते हैं कैथारसिस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जनरल चीज़ें हैं जैसे कि योगा है, वो बहुत मदद करता है, अच्छी डाइट लेना, अच्छी स्लीप लेना। पर मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानूंगी कि आप किसी प्रोफेशनल से ज़रूर बात करें, वो आपके अंदर कोपिंग स्किल्स को बहुत डेवलप करते हैं। पर मनोरोग के लिए जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, चिकित्सा, एक मनोवैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और समाज में उनको इंक्लूड करना बहुत इम्पोर्टेंट है इनसे डील करने के लिए। मैम, लेकिन बहुत सारे लोग जो तनाव में रहते हैं वो किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहते अपनी चीज़ों को, तो इस पे कैसे तो क्या किया जाए? देखिए वो तो इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको जज किया जाएगा, अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि मनु आप बताइए आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, तो आपको पहले लगेगा कि भाई हम इनको बताएंगे तो ये क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मैं अपने जीवन को नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, या आप मुझसे कोई बड़ा पर्सनल सवाल पूछ लीजिए तो मुझे भी लगेगा ये क्या मुझसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि किसी को जब हम जज करते हैं, हमें डर होता है कि कोई हमें जज करेगा कि इनके पास ऐसी समस्याएं हैं तो उसके कारण क्या क्या, इनका घर का माहौल खराब है, इनकी परवरिश खराब है, क्या दिक्कत है। तो अगर हम सबकी सोच अलग हो जाएगी, हम प्रॉब्लम्स को एज प्रॉब्लम्स देखेंगे, रियलिटी को एज रियलिटी देखेंगे, रियलिटी को कोई अलग की मीनिंग नहीं देंगे। जज करने में क्या होता है, रियलिटी को अलग मीनिंग देते हैं, वो नहीं देंगे, लोग खुलेंगे। एक मेरा सबसे पहला ये कहना है कि हम स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो सरकार द्वारा हो या प्राइवेट हो, उनको इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। जो लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं वो साइकोलॉजिस्ट पास जाएं, काउंसलर्स के पास जाएं। जैसे ये मुक्ति फाउंडेशन है, ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जैसे मेरा इनके साथ संपर्क हुआ, तो अभी कोई बहुत लोअर इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड का पर्सन भी है, अगर ये मुझे कॉल करेंगे तो डेफिनेटली मैं बात करूँगी। मैं नहीं बात कर सकती हूँ उस व्यक्ति से, तो मैं अपनी ही किसी प्रोफेशनल कलीग को बोलूँगी, जिनका एक कहते ना बहुत ही कमर्शियल माइंडसेट नहीं है, प्रोफेशनल है, कमर्शियल नहीं है। तो मेरा ये कहना है जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है वो एनजीओस के पास जाएं, एनजीओस से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जुड़े होते हैं जो उनसे बात करेंगे। और दूसरा है कि पेरेंट्स जो होते हैं या जो भी घर के लोग हैं, उनका आपस में जुड़ाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आजकल क्या हो रहा है ना, सब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहे क्योंकि सबका वैल्यू सिस्टम अलग हो रहा है। इवन एक माँ का और बच्चे के बीच में भी वैल्यू सिस्टम अलग हो रहा है, हालांकि माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। तो माँ को समझना ज़रूरी है कि ये बच्चा मेरी जागीर नहीं है और इसकी एक अपनी सोच हो सकती है। इस सोच के साथ अगर माँ उस बच्चे को अप्रोच करेगी, तो कहते हैं ना अपनी बात ना कह पाने की जो झिझक होती है, जो डर होता है, वो बच्चा छोड़ देगा। तो ये कहते हैं ना, हर एक जनरेशन के साथ आपको अपनी सोच को और प्रोग्रेसिव करना होता है। तो पेरेंट्स या घर वालों की प्रोग्रेसिव सोच जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। बच्चे अपनी बात शेयर करें,
या आपस में हस्बैंड वाइफ है तो दोनों में से किसी एक को ये विश्वास दिलाना कि तुम गलती भी कर रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत भी है तो मेरे से बात करो, तुम में कोई कमी भी है बात करो, हम बातचीत को सुलझा लेंगे, ना कि मैं तुम्हें कहूँगी तुम गलत हो या ऐसी कोई बात है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है डर जजमेंट का दूसरे के। मैम ये भी होता है लेकिन फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे अभी आपने कहा कि फैमिली बात करे, बहुत सारी फैमिली तो सपोर्ट नहीं करती है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन देखिए ये समस्याएं आजकल कैसे हम जागरूकता क्यों फैला रहे हैं, ताकि जागरूक खाली ये बच्चे यहाँ जो बैठे वही नहीं होंगे, ये जाके अपने घर में बात करेंगे। अभी मेरे घर में अगर कोई काम करने वाली आ रही है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँगी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे क्यों बनाया जा रहा है, इस बार का तो थीम ये है कि ना सबके लिए ये सुविधाएं होनी चाहिए, इस गैप को हमें ब्रिज करना, सबके लिए होनी चाहिए, मतलब सबको जागरूक होना है। तो जितना जागरूक हम होंगे उतना ज़्यादा ही हमारी प्रोग्रेसिव खुली सोच होगी। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप एक ना प्रोसेस है, अभी नहीं है ये समस्या है पर ये हमेशा रहेगी ये नहीं है। बहुत तरीके हैं समस्या को सॉल्व करने के, सपोर्ट मिलना बहुत आसान है। जैसे आजकल स्कूलों में आप बात कीजिए, सरकारी स्कूल में भी अब वो ये कदम उठाते हैं कि पेरेंट्स से बात करते हैं बच्चे के लिए, जैसे कुछ बच्चों को हाँ करते हैं बिल्कुल, वो इनवाइट करते हैं। अब जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट है फैशन टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ पे उनके पास फुल टाइम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो कोई विजिट करता है, मैं जैसे विजिट किया तो मैं वहाँ पेरेंट्स से भी बात करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे अपने स्कूल में कुछ बच्चों को मानसिक समस्याएँ हैं जिनका डायग्नोसिस नहीं हुआ है, तो पेरेंट्स को वो छुपाना है। अब अगर मैंने इस तरीके से बात की कि उनको समझ में आया कि इसका एक कारण है, कारण का हम इलाज कराएंगे और मेरा बच्चा अच्छा करेगा, हमारा स्कूल सपोर्ट करता है, वो बच्चे अच्छा करते हैं, तो पूरे समाज को अगर एक बच्चा ये बात कह रहा है कि मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हर किसी से तो वो कहेगा, तो फिर हमारा काम बनता है कि बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ हम फैमिली को अप्रोच करें, फैमिली के सपोर्ट को लें। बट अवेयरनेस को बहुत कहते ना लंबे कह या ऊंचे तरीके से अगर हम फैलाएंगे तो वो पेरेंट भी समाज का हिस्सा हैं, जिस समाज में हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वो सपोर्ट जनरेट होगा। मैम जैसे कि आजकल के लोग इतना ज़्यादा तनाव लेते हैं, अपनी बात को शेयर भी नहीं करते हैं, इससे कहीं हद तक वो सुसाइड भी कर लेते हैं इसी से, तो इस मतलब इन चीज़ों को ना करे, कोई यहाँ तक ना पहुँचे, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए उसके लिए तो सबसे पहले एक ये बात होती है जैसे आपने सपोर्ट की, दूसरा ये होता है कि किसी में सुसाइडल थॉट्स आते हैं जिसको हम इस भाषा में कहते हैं सुसाइडल आइडिएशन, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे जीवन में कुछ नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आम लोग क्या कहते हैं, अरे तुम भगवान का या अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हो, देखो कितना है ये है वो है, पर हम ये नहीं सोचते कि उसके अंदर रासायनिक चेंजेस बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से उसको दुनिया ख़राब लग रही है या वो अपने आप को बेकार समझ रहा है या उसको ज़िंदगी जीने लायक नहीं लग रही, जिसको कहते हैं ना अवसाद डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का अगेन अगर हम रीज़न समझेंगे, उन चीज़ों को हम पहचानेंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और दूसरा देखिए सुसाइड का एक कहते हैं ना एक सोसाइटी से या पर्सनल रीज़न भी होते हैं जिसमें कि नौकरी का नहीं मिलना है या अपने कंपटीशन में असफलताएं हो गई, इस वजह से भी होता है, तो उसका तो पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर चीज़ों को करना चाहिए। बट डेफिनेटली अगर किसी में ये थॉट आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी को ये बात बताते ज़रूर है, फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे जीवन अंत कर लेना चाहिए। अब वो फ्रेंड का मतलब खाली फ्रेंड को ये कह देना कि नहीं चलो मेरे से बात करो, वो उस फ्रेंड को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले जा सकता है। देखिए अभी जो इंडिया का सिनेरियो हमारा है, लगभग 800 से ज़्यादा लोग पर डे सुसाइड करते हैं और ये बड़े यंग रेंज में आते हैं, अभी तो पैंडेमिक की वजह से बुजुर्गों में भी ये टेंडेंसी देखी गई है। तो ये जो 800 से ज़्यादा लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि खाली जनरल स्ट्रेस कहते हैं ना रिलेशनशिप्स को लेके या नौकरी को लेके, नहीं अवसाद को लेके भी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से भी ये सुसाइड वगैरह होती है, बस हमें समझना तो बहुत ज़रूरी है कि इसके कारण क्या है और उनका इलाज कराना। जैसे भी बड़े बहुत लंबी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, एक अभिनेता ने आत्महत्या की थी, तो समाज में ये ज़्यादातर देखा गया, बहुत सारे लोगों ने समझा कि नहीं उसको बुरा महसूस कराया गया या उसका बायकॉट हुआ, उसने सुसाइड कर ली या उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया, पर एक एस्पेक्ट ये था कि उसके साइकोलॉजिस्ट ने खुद आके ये कहा, हालांकि वो बहुत अच्छी बात नहीं थी, उसको एक कहते हैं मरीज की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, पर उन्होंने आके खुद कहा कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, डिप्रेशन और मेनिया का मिक्स्ड उसको था,
और उसकी मेरे साथ इलाज चल रहा था, उसके यूं भी चल रहे थे। और कभी कभी ये बाइपोलर या कहते ना मेंटल डिसऑर्डर ड्रग्स लेने की वजह से भी होते हैं। तो किसी को खाली कहते ना ध्यान भटका देना या असल समस्या को ना समझना वो प्रॉब्लम्स को और बढ़ाता है। जैसा कि अभी हमारी पॉपुलेशन में, मैं ये नहीं कहती कि हम टॉप कर रहे हैं वर्ल्ड में, पर हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे हमें चिंतित होना चाहिए सुसाइड को लेके। क्रक्स क्या है बात का कि हम उन चिन्हों को पहचाने जब वो व्यक्ति कहता है कि मैं चाहता हूँ अपना जीवन ख़त्म कर लूँ। ये सेंटेंस ही जो होता है अपने आप में, इसको कहते हैं क्राई फॉर हेल्प। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि मैं इतना बुरा महसूस कर रहा हूँ, मेरी मदद करो। ओपनली नहीं कह रहा। अगर हम उन चिन्हों को पहचान लेंगे तो ज़रूर हम उनकी मदद करेंगे। मैम, जो लोग तनाव महसूस करते हैं और जो लोग शेयर नहीं करते हैं अपनी चीज़ों को, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहते हैं, उनको पहली बात तो ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ होते हैं। अगर हम उनको लेके शर्मिंदा होके बैठेंगे तो वो सॉल्यूशंस नहीं होंगे। प्रॉब्लम ऐसी चीज़ है जो हर जगह है, हर किसी को है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो हमारे, हालांकि कहते ना हमारे जो रिलीजियस लीडर्स रहे हैं या अवतार रहे हैं या पैगंबर रहे हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या को फेस किया है। तो उनको छुपाना कोई अच्छी बात नहीं। शर्मिंदगी से बाहर निकलिए, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से देखिए कि एक प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्टिवली, मतलब कि एक कॉन्क्रीट तरीके से ये समस्या है, और फिर किससे मदद लेनी है उन लोगों के पास गए और मदद ली। और धीरे धीरे जब आप उनसे बात करिएगा, उन लोग मतलब प्रोफेशनल्स, तो आप में कोपिंग कैपेबिलिटीज़ अपने आप आ जाएंगी। तो प्रॉब्लम्स को लेके शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं होती है। ये मुझे यंगस्टर्स को कहना है, हर किसी के पास प्रॉब्लम आती है और सब अपने अपने तरीके से जूझते हैं। आप अगर थोड़ा और कहते हैं ना एक सोच के साथ, अभी तो ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी कि एजुकेशन बहुत बढ़ रही है और विस्तार हो रहा है, बहुत लोग लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा प्रॉब्लम्स के लिए हमें अशेम्ड नहीं फील करना है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँ दीपिका पादुकोण का, उन्होंने क्या कहा कि मुझे डिप्रेशन था, और आज वो कितनी सफल हैं, कितनी सफल अभिनेत्री हैं, बहुत आगे। अगर वो शर्मिंदा होकर बैठ जाती अपना इलाज न कराती तो वो आज यहाँ पर होती। टाइटैनिक के जो हीरो थे, क्या उनका नाम है, रोनाल्डो, आपने सुना होगा, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, उनको OCD था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। अब ये तो गहन मानसिक रोग समस्याएं हैं और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इलाज किया। माइकल फिलिप जो जिन्होंने 19 गोल्ड मेडल लिए थे ओलंपिक में, उनको ADHD हाइपर एक्टिव अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर था, और कितना अच्छा लाइफ में किया। तो समस्या थी, पहचाना, इसका इलाज किया। यही मैं यंगस्टर्स को चेक कहना चाहती हूँ, समस्या को एक्नॉलेज कीजिए, पहचानिए, मानिए, और जिन लोगों के पास आप जाके मदद ले सकते हैं उनसे मदद लीजिए। थैंक यू मैम, हमसे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू मनु। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ मनोचिकित्सक रेम आबधी जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया। और जो मेंटल हेल्थ वर्ल्ड डे है, इसको या जो यहाँ मुक्ति फाउंडेशन में एज अ चीफ गेस्ट आई हैं, ये लोगों को बताएंगे कि जो भी लोग तनाव में हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, किसी से शेयर करें, अपने किसी भी फैमिली मेंबर से शेयर करें, और सोसाइटी का जो मन में आपके ख्याल आता है वो बिल्कुल भी ना लाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, विद्रोही आनंद, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।